हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाकेट आसाम हिस्ट्री रिविजन सीरीज। आज आम पार्ट फोर तो लैस आज आम चल्लिश प्रश्न लैस आपे रिविजन कर प्रश्न समूह जरिए। तो भिडिओ आरम्भ कर प्रथम तो प्रश्न सा द फर्स्ट मुस्लिम इनवेजन अब द आहोम किंगडम अकार्ड इन आहोम साम्राज्य प्रथम मुसलमान आक्रमण किमान सनत होइछिले। अपशन समूह चाह ल यार उत्तर तो 1527 सन प्रथम आक्रमण हुई मुस्लिम आहोम साम्राज्य कथा कैसे ठीक है। और ये जीखिनि पीरियड आखिरी सुहुंगमुंग राजत्व आखिरी समय सुहुंगमुंगे राजत्व कर ठीक है। तो सीट मन रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर करो हुईच अफ द फलोईंग आहोम किंग साइंड द ट्रीटी अफ माजुली उथ कोस किंग नरनारायण कौन जन आहोम रजा कोस रजा नरनारायणर लगत माजुलीर सन्धि स्वरित करसार तो हम आन्सार तो सुखाम्फा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आन्सार कर संग्राम सिंह व्वाज द नेम अफ संग्राम सिंह कौन आर नाम आज संग्राम सिंह नरनारायण गौरी नारायण शिलाराय ने विश्व सिंह यार उत्तर तो निश्चय अपना जाने शिलाराय। ओके शिलाराय नाम आज संग्राम सिंह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बुरंजी रिटेन बाय रत्नकंडली एंड अर्जुन दास बैरागी वाज रत्नकंडली और अर्जुन दास बैरागे लिखा बुरंजी कि त्रिपुरा बुरंजी कसारी बुरंजी अहोम बुरंजी कामरूप बुरंजी उत्तर तो हम त्रिपुरा बुरंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल अफ आहोम किंगडम एंडेड उथ द इनवेजन अफ कार आक्रमण सहित आहोम साम्राज्य अंत हुई पर्तुगीज ने ब्रिटिश ने मुगल्स ने बार्मीज उत्तर तो कि हम इजी क्वेश्चन उत्तर हम बार्मीज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उत्तर करो द आहोम्स एंड द मुगल्स कन्फ्लिक्ट एंडेड उथ हुज बैटल आहोम और मुगलर संघर्ष कौन युद्ध सहित शेष होते शराइघाटर ने भराली ने इटाखुली ने आलाबय यार उत्तर से बैटल अफ इटाखुली इटाखुली युद्ध पीछते आहोम मुगलर संघर्ष अंत पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन द ढोडर आली वाज कन्स्ट्राक्टेड ड्यूरिंग द रेन अफ हुई आहोम किंग कौन जन आहोम रजार शासनकाल ढोडर आली तो निर्माण अपशन समूह चाह आन्सार तो करो कि हम ढोडर आली गदाधर सिंह दिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई इयर जोरहाट सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड कौन तो बसर जोरहाट सार्वजनिक सभा गठन कर 1878 ने 92 ने 74 ने 84 आन्सार 1884 1884 सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हू कन्स्ट्राक्टेड सिंह द्वार एट गड़गव गड़गवर सिंह द्वार कने बन आन्सार तो कि हम सिंह द्वार बन प्रमत्त सिंह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवग्रह टेम्पल वाज कन्स्ट्राक्टेड बै हुच अफ द फलोईंग आहोम किंग कौन जन तलर कौन जन आहोम रजा नवग्रह मंदिर तो बन राजेश्वर सिंह रुद्र सिंह गदाधर सिंह ने प्रमत्त सिंह आन्सार से राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आन्सार करो हू वाज द लास्ट किंग अफ कसारी किंगडम कसारी साम्राज्य शेषर जन रजा कौन आसे तो कसारी साम्राज्य शेषर जन रजा आज गोविंद चंद्र ठीक है मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच आहोम किंग वाज रिसेंटली मार्डर्ड बाय ए चुटिया किंग कौन जन आहोम रजा एजन चुटिया रजा षड़ कर हत्या करे चुटेउफा ने सुबिनफा ने चुकाफा ने चुटुफा यार उत्तर तो चुटुफा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुच आहोम किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रम चराइदेव टू सरगवा नियर दिहिंग रिभार कौन जन आहोम रजा निजर राजधानी चराइदेवर पर सरगवा लैके दिहिंग नदी ऊर सरगवा लैके सलनी कर सुहुमुंगे ने सुदांगफा ने सुकलेंगमुंग ने चुकाफा कि हम आन्सार हम सुदांगफा ठीक है। फ्रम चराइदेव टू सरगवा चराइदेवर सरगवा लैके लै गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हुईच आहोम किंग वाज पपुलारलि नोन एज दिहिंगिया रजा बहुत इम्पर्टेन्ट प्रश्न आई थे परीक्षा समूह दिहिंगिया रजा कौन जन आहोम रजाक जाना जाए आन्सार है सुहुंगमुंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिमापुर द कैपिटल अफ कसारी किंगडम वाज अकुपाइड बै द आहोम किंग कसारी साम्राज्य राजधानी डिमापुर कौन जन आहोम रजा अकुपाइ कर रुद्र सिंह गदाधर सिंह सुहुंगमुंग ने राजेश्वर सिंह आन्सार तो सुहुंगमुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 चुकाफा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन चुकाफा दिवस कौन दिन उद्यापन करा है अपशन समूह चाह लो आन्सार तो हम
सेकेंड डिसेम्बर डिसेम्बर दु तारिखे चुकाफा दिवस ठीक है चुकाफा दिवस और कि बुली क्या है और कि नामे जना जाए दिन तो अपना कमेन्ट सेक्शन जानवसन नेक्स्ट क्वेश्चन तो एन्सार करो हू वाज द फर्स्ट बरफुकन अफ आहोम किंगडम आहोम साम्राज्य प्रथम जन बरफुकन कौन आसिले लांगी पानीसिया मोमाई तामुली कनसेंग ने लासित यह आन्सार हम अपन नम्बर ए लांगी पानीसिया आसिले प्रथम बरफुकन आहोम साम्राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन मरंगी खुआ गोहाई पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय मरंगी खुआ गोहाई पदवीटर सृष्टि कोने करिसिले अपन हम से आन्सार तो करक कि हम उत्तर सुहुमु राइट सुहुमु नेक्स्ट क्वेश्चन कैसाई खाइटी गोसानी वाज वर्शिप्ड बाय कैसाई खाइटी गोसानी कोने पूजा करिसिले कसारी सकले करिसिले ने आहोम सकले ने खेन ने सुतिया आन्सार हम सुतिया ओके सुतिया सकले करिसिले नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच आहोम किंग स्टार्टेड द प्रोसेस अफ राइटिंग बुरंजी इन आसामीज लैंग्वेज कौनजन आहोम रजाए अहोमियात बुरंजी लिखा आरम्भनि करिसिले सुदांगफा ने सुतामला ने सुक्लेंगमुंग ने सुहुमुंग यार उत्तर तो सुहुमुंग ठीक है सुहुमुंगे अहोमियात बुरंजी लिखा आरम्भनि करिसिले नेक्स्ट क्वेश्चन भगदत्त वाज किल्ड बाय भगदत्तक कोने हत्या करिसिले आन्सार तो करक अपशन हम चाइल आन्सार तो हम अर्जुन ठीक है अर्जुने भगदत्तक हत्या करिसिले महाभारतर युद्धर समय नेक्स्ट क्वेश्चन तो एन्सार कर हुइच अफ द फलोइंग पुराण वाज कम्पोज इन आसाम तलर कौन पुराण अहोमते रचना करा हुइसिले मत्स्य पुराण विष्णु पुराण कलिका पुराण ने अग्निपुराण यू निश्चय अपना एन्सार कर पारिसे सकते उत्तर तो कलिका पुराण ठीक है कलिका पुराण अहोमते कम्पोज हुइसिले नेक्स्ट क्वेश्चन तो सौ इन हुइच इयर द फर्स्ट सेशन अफ आसाम एसोसिएशन वाज हेल्ड अहोम एसोसिएशनर प्रथम अधिवेशन किमान सनत हुइसिले उन्नीस सौ तीन सन उन्नीस सौ पाँच सन उन्नीस सौ सात सन ने उन्नीस सौ एक सन आन्सार हम नाइन्टीन जिरो फाइव उन्नीस सौ पाँच सन नेक्स्ट क्वेश्चन गड़गाव टैंक वाज एक्सकाभेटेड बाय हुइच आहोम किंग कौनजन आहोम रजाए गड़गाव पुखुरी तो खुंदाइसिले आन्सार तो कि हम सुक्लेंगमुंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो एन्सार कर अकॉर्डिंग टू हिवेनसांग द पीपुल अफ कामरूपा कल्टिवेटेड हुइच अफ द फलोइंग हिवेनसांगर मते कामरूपर मानुहे तलर कौनटोर खेती करिसिले कोकोनट नारिकल सुगार केन माने कुहियार जैकफ्रूट माने कठाल अपशन हम चाइल इतना आन्सार कर आन्सार तो हम जैकफ्रूट एंड कोकोनट तमाने कठाल और नारिकल नेक्स्ट क्वेश्चन नगा आली रोड वाज कन्स्ट्रक्टेड बाय नगा आली रास्ता तो कोने बनाइसिले रुद्रसिंह सुतामला सुक्लेंगमुंग ने सुहुमुंग आन्सार हैछे सुक्लेंगमुंग नेक्स्ट क्वेश्चन आहोम किंग सुकामफा वाज द कन्टेम्पोरारी अफ कोस किंग आहोम रजा सुकामफा कौनजन कोस रजार समसामयिक आसिले এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আগতে কৰিলোঁ কাৰণ এই চুকাম্পাৰ লগতে যিটো মাজুলীৰ সন্ধি সেই সন্ধিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিলে তো এতিয়া আপোনালোকে মনত কৰি পেলাই কওক যে মাজুলীৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে একফালেতো আছিলে চুকাম্পা আহোমৰ পৰা আৰু কোচৰ পৰা কোন আছিলে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ ঠিক আছে তো তাৰ মানে সেইটো কাৰণে এই দুজন ৰজা সমসাময়িক আছিলে একে সময়ৰে আছিলে ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰক ট্ৰিটি অফ অসুৰৰ আলি ৱাজ ছাইণ্ড বিটুইন দ্য আহোমছ এণ্ড দ্য মোগলছ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং অসুৰৰ আলি সন্ধিটো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে স্বাক্ষৰিত হৈছিলে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত সুহুংমুং প্ৰতাপসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ নে গদাধৰ সিংহ আনচাৰটো কি হ'ব আনচাৰটো হ'ব প্ৰতাপসিংহ ঠিক আছে তো মনত ৰাখিব প্ৰতাপসিংহৰ দিনতে হৈছিলে অসুৰৰ আলি সন্ধি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং ৱাজ অলছ' ন'ন এজ কেকৰা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাক কেকৰা বা ক্ৰেপ কিং বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চুটিংফা অ'কে नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच किंग गेव हिज डॉटर राज्यमती इन मेरेज टू नेपाल किंग जयदेवा सेकेंड कौनजन रजाए तेर जीक राज्यमतीक नेपाल रजा जयदेव द्वितीय बिया दिसिले जयमाला बालावर्मन तृतीय श्रीहर्षादेव ने त्याग सिंह यह उत्तर हम श्रीहर्षादेव ठीक है श्रीहर्षादेवे दिसिले मन राख नेक्स्ट क्वेश्चन ট্রিটি অফ খিলাজাৰিঘাট ওয়াজ সাইন বিটুইন মিৰিজুমলা দ্য মোগল আর্মি চিফ এণ্ড আহোম কিং খিলাজাৰিঘাটৰ সন্ধি মিৰিজুমলা মোগলৰ আৰ্মি প্ৰধান মিৰিজুমলা আৰু কোনজন আহোম ৰজাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে সেইটো সুধিছে আমাক প্ৰশ্নটোত তো অপশ্যনসমূহ চাই আপোনালোকে এনচাৰটো কৰক কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত খিলাজাৰিঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে যদ্ধসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ প্ৰমত্তসিংহ নে ৰুদ্ৰসিংহ কি হ'ব আনচাৰ আনচাৰ হৈছে যদ্ধসিংহ नेक्स्ट क्वेश्चन द कामरूपा किंग हु टुक पार्ट इन द महाभारत वार वाज महाभारत युद्ध अंशग्रहण कर कामरूपर रजा कौन आसिले एन्सार हम
ভগদত্ত, ঠিক আছে, ভগদত্তই মহাভারতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ডটাৰ অফ ভগদত্ত, ভগদত্তৰ জীয়েকৰ নাম কি? ইন্দুমতী, মনুমতী, ভানুমতী, লীলাৱতী, এইকেইটা অপশ্যন এনচাৰ কি হ'ব? এনচাৰ হ'ব ভানুমতী, ভগদত্তৰ জীয়েকৰ নাম আছিলে ভানুমতী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰমণী গাভৰু ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ হুইচ আহোম কিং, ৰমণী গাভৰু কোনজন আহোম ৰজাৰ জীয়েক আছিলে? অপশ্যনসমূহ চাই লওক, এনচাৰ জয়ধ্বজ সিংহ, ঠিক আছে, জয়ধ্বজ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফেমাছ বেটেল অফ শৰাইঘাট ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়াৰ, বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? এইটোতো ইজি প্ৰশ্ন, সকলোৱে নিশ্চয় জানে আৰু পৰীক্ষা সময়ত আহিও থাকে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচাৰ হৈছে 1671, 1671 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে কি, ইটাখুলিৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে, যে বেটেল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়াৰ, ইটাখুলিৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? তো অপশ্যনসমূহ চাই লওক, এনচাৰটো কি হ'ব? 1682, 1682 চনত হৈছিলে ইটাখুলিৰ যুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, উমানন্দ দেৱালয় অন পিকক আইলেণ্ড এট গুৱাহাটী ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই, গুৱাহাটীৰ পিকক নদীদ্বীপৰ ওপৰত যিটো উমানন্দ দেৱালয় আছে সেইটো কোনে বনাইছিলে, দেৱালয়টো কোনে বনাইছিলে? ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, গদাধৰ সিংহ, শিৱসিংহ, এই উত্তৰটো হ'ব গদাধৰ সিংহ। মন কৰিব, পৰীক্ষাত উমানন্দ দেৱালয় কোনটো আইলেণ্ডৰ ওপৰত আছে তেনেকৈও পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে, তো সেইটো হ'ব এনচাৰটো হ'ব তেতিয়া পিকক আইলেণ্ড, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কৰক, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ্মি ৱাজ প্লেচড আণ্ডাৰ ভগদত্তৰ কামাণ্ড ডিউৰিং দ্য মহাভাৰত ৱাৰ, মানে আমাক সুধিছে যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত ভগদত্তৰ নিৰ্দেশত তলৰ কোনখিনি আৰ্মি আছিলে, তলৰ কোনখিনি সৈন্য আছিলে, কামৰূপৰখিনি গৌৰ নে কলিংগ নে ওপৰৰ এটাও নহয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কলিংগ, কলিংগ আৰ্মিখিনি মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভগদত্তৰ তলত আছিলে, অ'কে, মানে ভগদত্তৰ নিৰ্দেশত আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আণ্ডাৰ হুজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ট অফ বেম্বু এণ্ড উড, এইটোতো সকলোৱে জানে, কাৰ নিৰ্দেশত ৰংঘৰ কাঠ আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? এনচাৰ হ'ব ৰুদ্ৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ আহোম কিং ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ দ্য চিষ্টেম অফ ছাৰ্ভে এণ্ড মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ড, কোনজন আহোম ৰজাই মাটিৰ জোখমাখ আৰু নিৰীক্ষণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰিছিলে? গদাধৰ সিংহ কৰিছিলেনে, ৰুদ্ৰ সিংহ নে, প্ৰমত্ত সিংহ নে, চহুমো, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ, ঠিক আছে, গদাধৰ সিংহই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰিছিলে। তো এইটো আছিলে আজি শেষৰটো প্ৰশ্ন, আজিও আমি 40টা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, আপোনালোকে জনাব স্ক'ৰসমূহ কৰিব পাৰিছেনে নাই, কিমান কৰিব পাৰিছে সকলোৱে জনাই দিব, ক্লাছটো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যাতে সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। নেক্সট ক্লাছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম, তো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।